नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज की इस एपिसोड में टाटा पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक ब्रेकिंग बैड न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखी है। ये न्यूज काफी निगेटिव है, इसको समझेंगे और आगे के ट्रेंड को समझे से पहले आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दिया, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, इसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें। और आगे देखेंगे तो एक बड़ी खबर क्या दिखी कि टाटा पावर के जो 3000 मुंबई यूज़र जो कंज्यूमर थे, उन्होंने माइग्रेशन कर लिया अपना अडानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। यहाँ देखेंगे अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई टैरिफ्स आर द लोएस्ट इन द लेटेस्ट मल्टी ईयर टैरिफ्स ऑर्डर फॉर FY 2024-25। और यहाँ अगेन देखें तो टाटा पावर के 3000 मुंबई यूज़र ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई कर दिया है, जो कि एक मतलब बैड न्यूज़ रही है। हालांकि डिलीवरी काफ़ी बेहतर दिख रही है और टेक्निकल ट्रेंड तो थोड़ा यहाँ पे वीक दिखा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आप तो कहते हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं आपको कैसे बढ़ते नहीं दिख रहा है। लोअर लेवल नियर अराउंड 882-884 से देखें तो स्टॉक में 22% तक की तेजी दिखी है। ये कौन लोग हैं जिनको ये बढ़ते दिख नहीं रहा है, पता नहीं कि आपकी क्या बाइंग है। यहाँ इस समय 224-32 के बीच में थोड़ा बहुत यहाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि लंबे एक कंसोलिडेट जोन में रहा है। जो वीक ट्रेडर रहेंगे वो यहाँ पे अपना एग्जिट करेंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन एक बार 232 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 252, 280 और 320 तक के लेवल्स दिखेंगे। ओवरऑल मैं बियरिश नहीं हूँ, लेकिन 212 तक के लेवल्स जो है वो भी दिख सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही होगा।